हेलो गाइस, आज हम घर पे अकेले हैं तो हमने चलिए बनाने का प्रोग्राम। ये मोहम्मद भी मेरे साथ बना रहे हैं, चौर मोहम्मद खुद से भी ब्लॉग बना रहा है और साथ में मैं और हम बना रहे हैं चिलियां। आज हम घर पे अकेले हैं, हमारे साथ कोई भी नहीं है, तो हमने सोचा हम टाइम ऐसे पास कर लेते हैं कि ये रहा मैं और हम अकेले घर में ब्लॉग बना रहे हैं। चिलियां भी खाएंगे अभी, तो मुझे तो लग रहा है हमारी उबल ही चुकी हैं, लेकिन हम देखते हैं। पानी अभी काफ़ी गर्म है, इसे कैसे निकालूं मैं यहाँ से। काफ़ी गर्म गर्म पानी लग रहा है मुझे, तो मैं सोच रहा हूँ इसको खाएंगे कैसे मोहम्मद। तो मैं कोशिश करता हूँ, निकालो वहाँ से, दो निकालना। और ये मोहम्मद नींबू काट रहे हैं छल्ली के ऊपर डालने के लिए। ये मोहम्मद नींबू काट रहे हैं कपड़े से जी। ठहरो, मैं निकाल दूँ कपड़े से, छोड़ो। तो गाइस, ये एक गाइस को दिखाएं पापा। अरे ये छल्ली निकल आई, हट जाओ हट जाओ, पीछे हट जाओ पीछे। ये दूसरी छल्ली भी निकाल लूँगा मैं ही मोहम्मद, क्योंकि पानी बहुत गर्म है, तो जिद तो कर रहा है कि मैं निकालूंगा, तो मैं मना कर दिया उसको। थोड़ी देर रोने देना। यार इसको पकड़ने की भी जगह नहीं है मोहम्मद। मसाला बना रहे हैं, मोहम्मद नींबू काट रहा है, और ये रहा मोहम्मद, और ये रहा मोहम्मद नींबू काटते हुए मोहम्मद, और ये रहा मोहम्मद नींबू काटते हुए। मोहम्मद नींबू कट गए, इनके साथ ही लगेंगे, मसाला कहाँ से लगाएंगे इनको, पहले ये सोच लो मोहम्मद। मसाले के बगैर मज़ा नहीं आने वाला, मैं पहले बता रहा हूँ। साबुत कैसे खाओगे, सिर्फ नींबू लगा के बगैर मसाले के? बगैर मसाले के मज़ा आएगा। यार ये जो देखने में बड़ी मज़े की लग रही है मोहम्मद, बहुत अच्छी लगती हैं। चाट मसाला लगा देंगे, देख लो होगा पड़ा हुआ। यार मिल जाएगा, हमें कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। ये रही हमारी छलियाँ जो बनके तैयार हैं, अभी हम मसाला ढूंढ रहे हैं, हमें मसाला मिल जाए तो मसाला डालने के लिए। ओके, मसाला डाल के ही मजा। तो गाइस छलियाँ बनके तैयार हैं, लेकिन मोहम्मद का इंतज़ार हो रहा है, मोहम्मद मसाला ढूंढने गया है। तो गाइस ये रही हमारी छलियाँ जो बनके तैयार हो चुकी हैं, लेकिन मसाला हम ढूंढ रहे हैं। गाइस मोहम्मद से इंतज़ार नहीं हो रहा, और मोहम्मद का दिल चाह रहा है कि मैं फ़ौरन ही पकड़ के तो खाने शुरू कर दूँ। तो गाइस फाइनली हमारे पास मसाला आ चुका है छलियों पर लगाने के लिए, तो मोहम्मद तो मसाला भर भर के लगाने की कोशिश कर रहा है कि मैं मसाला लगा लूँ, और मैं इसी इंतज़ार में हूँ। तो मैं इसी इंतज़ार में हूँ कि मोहम्मद मसाला लगा ले, कि जो भर भर के लगाने में लगा हुआ है, कैसे मसाला भर के लगा रहा है वो। इतना लगाना कि जो आराम से खाई जाए, बाद में ना कहना कि मिर्चें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। मुझे पता, अच्छी लग रही है मोहम्मद, गल गई हैं, खा के देखो ज़रा, सही है, सही हो गई हैं। और मोहम्मद ने हाथ पकड़ते ही फ़ौरन खानी शुरू कर दी है, और उसे टेस्ट आ रहा है, और गल भी गई हैं, तो मैं भी पकड़ के खाना शुरू करता हूँ। और गाइस मोहम्मद ने छल्ली खाना शुरू कर दी है, और मोमो भी मज़े ले ले के छल्ली खा रही है। हेलो मोमो, कैसी बनी है छल्ली? अच्छी लग, अरे ये मसाला लगाओ इस पर, मसाला लगाओगी तो फिर ज़्यादा मज़ा आएगा ये खाने में, मसाले लगाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। ये हाथ की इस तरह की छल्ली नहीं खाई होगी जैसे मैंने बना के खिलाई आपको ना, मजा आएगा। आपने ये तो बहुत ही मजा किया। क्या बोल रहे हो मोहम्मद, किसको दिखाओगे ये वीडियो? मम्मा को दिखाओगे, क्यों? आपने तो बोला ना। तो मैंने तो कोई गलत तो नहीं बोला, यही बोला है कि घर पे नहीं हो तो हम तुम्हारे बगैर भी मजा कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? नहीं, मैंने सुना ये इस तरह की शैतानी काम करता है, जब भी मैं बात करता हूँ फौरन मुझे ब्लैकमेल करते हैं, मैं मामा को बचाऊंगा। ओके, बता देना। मैं तो बताता हूँ। और यार छल्ली नो डाउट बहुत अच्छी बनी है।
मजा आ रहा है जी। आप ऐसे खा रही हो, दाने निकाल के खाओगी सारी? गाइस आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको छल्ली देखने में कैसी लग रही है। जी तो गाइस आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि छल्ली आपको देखने में तो अच्छी लगी रही होगी, हमें तो खाने में बड़ा मजा आ रहा है। आपको देखने में कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, सी यू बाय फॉर द नेक्स्ट टाइम। ये रहा मोहम्मद, मोहम्मद अभी भी जिद कर रहे आदि बाप। तो गाइस मोहम्मद यो यो हनी सिंह करे जा रहे हैं बस, तो छल्ली से इंजॉय कर रहे हैं। ओके गाइस तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, याद रहें, आबाद रहें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, सी यू बाय।